हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव रसोई। आज हम सिवई बनाने जा रहे हैं जो कि मीठे में बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाती हैं। तो इसके लिए हमने लिया है किशमिश, काजू, इलायची, बादाम, सिवई और मखाना। अब हमने एक कढ़ाई को गर्म करने के बाद इसमें घी डाल लिया है। हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें मखाने को डाल के इसे अच्छी तरीके से भुनेंगे। मखाने की क्रिस्पी हो जाने तक हम इसको अच्छे तरीके से ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसको ऐसे चला चला के इसको क्रिस्पी कर लेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे इसको भून लिया है, तो अब हम इसको अलग एक जगह पे निकाल लेंगे। अब देखिए, हमने कढ़ाई में दोबारा से 1 चम्मच घी डाल लिया है और अब हम इसमें बादाम को अच्छे तरीके से उसी की तरह मखाने की तरह इसको भी हम इस तरह से इसको भून लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे बादाम भी अच्छी तरीके से भून चुके हैं, तो हम इसको भी अलग से साइड में निकाल लेंगे। देखिए, अब हमने कढ़ाई को फिर से इसमें घी डाल लिया है। अब हम डालेंगे इसमें किशमिश। अब हम इसे भी अच्छी तरीके से चलाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमारी किशमिश भुन चुकी है, जो कि हमें पता चल रहा है क्योंकि फूल गई और इसका कलर भी तो कुछ अलग ही आता है। हमने इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। देखिए, अब हम यहाँ पे काजू को भी उसी की तरह अच्छे से भून लेंगे। अब हमने काजू को भी अलग निकाल लेंगे। देखिए, हमने कढ़ाई में घी डाल लिया था, अब हम इसमें सिवई डाल के सिवई को भी भुनेंगे। आप कोई भी सिवई का यूज कर सकते हैं, चाहे वो मोटी हो चाहे वो पतली हो। देखिए, यहाँ पे मेरी सिवई भुन के अच्छे तरीके से लाल हो चुकी है। यहाँ देखिए, हमारा दूध अच्छे से उबल चुका है, तो हम इसमें डालेंगे चीनी। आप कितना भी कम ज्यादा चीनी डाल सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से। कि हमने जो सिवई भुन ली थी, अब हम उसे अपने उबलते हुए दूध में डाल देंगे। और यहाँ हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को 2 टुकड़ों में कर लिया था, अब हम इसको भी अपने दूध में डाल देंगे। अब हम इसको ऐसे चलाएंगे। यहाँ देखिए, हमने गैस ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। देखिए, यहाँ हमारी सिवई बनके एकदम तैयार है और ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसे परोस देंगे। और चाहे आपके घर में कोई गेस्ट हो या फिर आपको अपने खुद खाने में डिजर्ट चाहिए अच्छा, तो उसके लिए सिवई सबसे बेस्ट है।